साथ शिवांगी वाजपेयी, स्वागत है आपका भारत समाचार में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। यूपी के कौशाम्बी जिला प्रशासन ने यहां पर यातायात नियमों को दुरुस्त करने के लिए हर हथकंडा अपनाया, लेकिन यहां पर कुछ लोग नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाते हैं। वो तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बाइक पर 7 लोग सवार हैं और किस तरह से यहां पर नियमों को खुलेआम यहां पर उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां पर सैनी कोतवाली के अजुआ कस्बे से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शख्स एक बाइक पर 7 लोगों को बैठाकर यहां पर सड़क क्रॉस करते हुए नजर आया है। बिना हेलमेट के यहां पर गाड़ी चलाता हुआ ये शख्स और एक बाइक पे 7 लोगों को बैठाकर ये वहां पर उनकी जिंदगी के साथ भी यहां पर खिलवाड़ करता हुआ ये शख्स कैमरे में कैद। तो कौशाम्बी की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर एक बाइक पर 7 लोग सवार हैं और ये गाड़ी देखिए सड़क पर किस तरह से फराटा भरती हुई, बिना हेलमेट के ये बाइक सवार आपको नजर आ रहा है, जो एक ही गाड़ी पर 7 लोगों को बैठाकर यहां पर चलता हुआ नजर आया। देखना होगा कि इस तरह के जो लोग कौशाम्बी में हैं, जो खुलेआम यहां पर नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाते हैं, उन पर कैसा एक्शन लिया जाता है। यासीन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यासीन, वहां पर नियमों को और किस तरह से सख्त किया जाएगा? ऐसे लोग तो यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। शिवांगी, बता दूं कि यातायात का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। एक बाइक पर 7 लोग सवार हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। इस तरह से कोई डर नहीं है, पुलिस चेकिंग करती है, लेकिन पुलिस की चेकिंग के दौरान भी इस तरह से देखा जा रहा है कि एक बाइक पे 7 लोग सवार होकर जा रहे हैं, वो भी नेशनल हाईवे पे। अगर टक्कर हो जाती है तो पूरा की पूरा परिवार उसकी चपेट में आ सकता है। कोई डर नहीं है ऐसे लोगों को। पुलिस के चेकिंग के दौरान भी इस तरह का जो है उल्लंघन किया जा रहा है और पुलिस देख कर भी जो है अनदेखा कर दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए एक बाइक पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, 4 बच्चे इस बाइक पर सवार हैं और खुद बाइक सवार यहां पर बिना हेलमेट के बाइक को चलाता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। अगली खबर संभल से, जहां पर अकबर